तो चलिए जानते हैं जो है आज का पेपर। ये तो सब लोग पहले तो कैमरे को देखकर ही डर रहे हैं। आज का कौन सा पेपर था आपका? मराठी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाज़ की आज़ादी न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड एग्जाम का पहला दिन। महाराष्ट्र में 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जिसमें मुदखेड़ शहर के महात्मा गांधी महाविद्यालय में तकरीबन 250 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। इसी तरीके से मुदखेड़ तालुके के तमाम स्कूलों में स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। महात्मा गांधी महाविद्यालय, राज्य श्री शाहू स्कूल और आश्रम स्कूल, सभी स्कूलों में स्टूडेंट 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम के चलते फुल सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। लॉकडाउन के बाद सभी स्टूडेंट को एग्जाम देखा जा सकता है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम शीतल कल्याणी है। आपका स्कूल? जिला परिषद हाई स्कूल मुगट। कौन सा पेपर था? आज मराठी का पेपर था। कैसे गया पेपर? पेपर बहुत ईजी था, ईजी गया। सेंटर में मतलब स्ट्रिक्ट कर रहे या फिर ऐसे ढीला? नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट कर रहे, कुछ नहीं बता रहे। चीटिंग वीटिंग चल रही? नहीं, चीटिंग भी नहीं चल रही। जो आपको एक्स्ट्रा में 10 मिनट जो दिए गए थे, तो आपने इसमें क्या किया, मतलब कि इसका कैसे फ़ायदा उठाया? जो लास्ट के 10 मिनट थे उसमें हमने फिर एक बार अपना पेपर जो लिखा था वो फिर एक बार चेक किया। स्टडी की थी आप? हाँ सर, की थी। नेक्स्ट पेपर कब है? नेक्स्ट पेपर 6 मार्च को है। कौन सा है? इंग्लिश का है। अभी हम मौजूद है मुदखेड़ शहर के आश्रम स्कूल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 2 मार्च बोर्ड एग्ज़ाम एसएससी का शुरू हो चुका है। तो हम चलिए स्टूडेंट से जानते हैं कि आज का पेपर कौन सा था और कैसे गया। तो चलिए जानते हैं जो है आज का पेपर। ये तो सब लोग पहले तो कैमरे को देख कर ही डर रहे हैं। आज का कौन सा पेपर था आपका? मराठी। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। सेंटर कैसा है, स्ट्रिक है या फिर जो है नॉर्मली है? स्ट्रिक है। चीटिंग वीटिंग चल रही है? नहीं है। ठीक है, चलिए और जानते हैं हम जो है आने वाले जो है स्टूडेंट से कि किस तरीके से पेपर गया। कौन सा पेपर था आपका? मराठी का। कैसा गया पेपर? सुपर, बहुत अच्छा गया। कितने नंबर का किया? हाँ, कितने नंबर का किया आपने? 80 मार्क। स्टडी कर रहे थे फुल? हाँ जी। सेंटर कैसा है? अच्छा है। चीटिंग वीटिंग चल रही? नहीं, स्ट्रिक्ट है। चलिए, स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। तो इसी तरीके से हम जो है बात करते हैं और भी जो है स्टूडेंट्स से। तो बताइए कैसा आपका आज का पेपर, कौन सा था? आज पहला फर्स्ट टाइम उर्दू का पेपर था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गुजरा पेपर। कितने नंबर का किया आपने? 80 नंबर का हमने पूरा करे। बहुत ही आसान सा पेपर था, ना ही कुछ चीटिंग और ना ही किसी का देखना वगैरह कुछ नहीं था। बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ, सर ने भी किसी को खुला नहीं छोड़ा, जिसका उन्हें लिखा हमने पूरा 80 नंबर का पेपर करे। जो आपका मतलब जो एक्स्ट्रा में 10 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उसमें आप उसका आपने क्या फ़ायदा उठाया, कैसे फ़ायदा उठाया? जी, हमने 10 मिनट जो मिले थे आखिरी में बहुत सारा फ़ायदा हुआ। ऐसा तो हमने 10-15 मार्क का 10 मिनट में लिख लिए थे। फुल स्टडी किए? जी जी, इंशाल्लाह। अगला पेपर कौन सा है? अगला पेपर कट मराठी का है जी। आपको अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए सर से जानते हैं। सर, बैठे पदक मध्ये झालेली आहे आणि इथे ह्या माध्यमिक आश्रम शाळेमध्ये एकदम व्यवस्थित रीत्या परीक्षा पार पडली, कुठलाही गोंधळ अनुचित प्रकार घडलेला नाही आणि कोणी गोंधळ करायला बाहेरचंही वातावरण चांगलं आणि पोलीस डिपार्टमेंटचे लोकसुद्धा व्यवस्थित सेवा दिली त्यांनी, त्याच्यामुळे आजचा पेपर चांगला गेला सर। ठीक आहे सर, थँक्यू सर। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाकडून परीक्षा दरवर्षी घेतल्या जातात। यावर्षी ही शालांत परीक्षा या ठिकाणी सुरुवात होतो आहे। महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय हे सेंटर आहे आणि या सेंटरचे केंद्र प्रमुख श्री आदरणीय मुंज सर आहेत आणि जाधव सर, विमोले सर आहेत, कृष्णा चौधरी सर आहेत या ठिकाणी गार्डिंगला। तर आपण जाणून घेऊया की माध्यमिक शालांत परीक्षा संदर्भात त्यांची काय तयारी आहे आणि पहिला पेपर आहे, तर आपल्याला सर काय म्हणायचं आहे याच्याबद्दल? याबद्दल काही नाही सर, आज सर्व महाराष्ट्रामध्ये माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा सुरू होत आहे। आमचं महात्मा गांधी विद्यालय मुदखेड या ठिकाणी 10वीचं सेंटर आहे। सेंटर क्रमांक 52 आहे। आमच्या सेंटरला 250 एवढी विद्यार्थी संख्या आहे।
या सेक्शनला टोटल 10 हॉल आहेत. आजच्या घडीला म्हणजे आजच्या पेपरला 10 हॉल आहेत. 10 हॉलमध्ये ग्राउंड फ्लोअरला 7 हॉल आहेत आणि पहिल्या फ्लोअरला 3 हॉल आहेत. सगळी व्यवस्था बोर्डाच्या नियमाप्रमाणे केलेली आहे आणि बोर्डाच्या नियमाप्रमाणे आमच्याकडे परीक्षा होईल याची याची मी ग्वाही देतो. प्रत्येक पेपरला बैठे पथक मी नेमलेलं आहे. तर हे बैठे पथक आमच्याकडे आलेलं आहे आणि बैठे पथकाच्या देखरेखीमध्ये ही परीक्षा होत आहे. धन्यवाद सर. धन्यवाद.